हमारा टॉपिक है क्लास इलेवेंथ के बायोलॉजी नोट्स में ये हमारा टॉपिक है एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम में आज हम पढ़ेंगे कि जो एनिमल किंगडम है उसमें कितने टाइप के फाइलम्स होते हैं तो एनिमल किंगडम के कुछ फाइलम्स यहां दे रखे हैं जैसे है, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफेरा प्लेटी हेलीमिंथस एस्की हेलिमिंथस एनलीडा आर्थोप्रोडा मोलस्का इकाइनोडरमाटा एंड इसको एक लर्न करने का तरीका है पी सी चाय पीने आ महक भी आ रही है तो ऐसे याद कर सकते हैं जैसे पी पोरिफेरा सी से सिलट्रेटा चाय टीनोफोरा का चाय हो गया पीने का प्लेटी हेलमिंथस हो गया ये ट्रिपल ए जो दे रखा है उसका आ हो गया और एम ई एच सी का हो गया महक हो गया तो ये जो शुरुआती तोर पे जो फाइलम डिस्कवर किए गए थे वहां से लास्ट तौर पर जैसे जैसे डेवलप हुए उन फाइलम्स के नाम है इसके आगे हम पढ़ते हैं बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन को किस तौर पर किया गया पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि मतलब कि सबसे पहले क्या डेवलप हुआ था ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे क्या डेवलपमेंट हुआ है आपको ये पता है कि सबसे पहले बोलते हैं कि जो इंसान है वो बंदरों से आइए इंसानों की प्रजाति पहले बंदर हुआ करते थे अब वो इंसान है और वो धीरे धीरे डेवलप होते होते इवोल्यूशन के कारण और भी ज्यादा डेवलप हो जाएंगे ऐसे ही पहले जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्युलर जो पोरीफेरा होते थे वो उनकी बॉडी सिर्फ सेल्स से बनी होती थी फिर सिलेंट्रेटा जो टिश्यूज के बने होते थे प्लेटी हेलमिंथस में ऑर्गन सिस्टम आया सॉरी ऑर्गन आए प्लेटी हेलमिंथस में और ऑर्गन सिस्टम एस की हेल्मिंथस से कॉर्डेट्स के जो भी फाइलम है उसमें मिलता है अपन को ऑर्गन सिस्टम इसके बाद हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी दो टाइप के होते हैं पहला जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट टाइप का है इनकम्प्लीट टाइप का मतलब ये होता है कि बॉडी में सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है जिसे हम माउथ बोलते हैं और जो माउथ ही है वहीं से फूड जाता है और वही जो है एनस का भी काम करता है मतलब वहीं से फूड एक्सक्रीट भी होता है तो ह्यूमन बींग्स में कैसा सिस्टम है ह्यूमन बींग्स में तो इनकम्प्लीट सिस्टम नहीं है ह्यूमन बींग्स में तो दो ओपनिंग होती है तो ये इनकम्प्लीट सिस्टम पाया जाता है जो पहले के जो फाइलम्स होते थे उसमें जैसे प्लेटी हेलमिंथस में इनकम्प्लीट सिस्टम पाया जाता है इसके बाद है कंप्लीट सिस्टम कंप्लीट सिस्टम का मतलब यह होता है कि फूड एंटर के लिए ओपनिंग अलग होती है और एक्सक्रीशन के लिए वेस्ट एक्सक्रीशन के लिए जो ओपनिंग होती है वो अलग होती है जैसे माउथ और वेस्ट जो वेस्ट एग्जिस्ट करने के लिए एनस होता है वो अलग अलग होता है इसे बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम तो ह्यूमन बॉडी में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है इसके बाद है प्रोटोस्टॉम्पस और डिट्योरियोस्टोम्स प्रोटोस्टोम होते हैं माउथ बिफोर एनस जब जब जन्म जब बॉडी बनना स्टार्ट करती है जैसे कि फीटस के तौर पे जब बॉडी बनना स्टार्ट करती है तो उसमें पहले क्या डेवलप होता है माउथ या एनस तो जिसमें पहले माउथ डेवलप होता है और बाद में एनस डेवलप होता है तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं एनिलीडा एसकी हेलमिंथस आर्थ्रोपोडा मोलिस्का और जबकि डिट्यूरियस स्ट्रॉम्स जो है उसमें क्या होता है एनस पहले डेवलप होता है और माउथ बाद में तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स है इकाइनोडमाटा हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा ह्यूमन ंग्स किस में आते हैं ड्यूटीरियल स्ट्रॉम्प में क्योंकि ह्यूमन बींग्स में फीटस में पहले एनस डेवलप होता है और उसके बाद माउथ डेवलप होता है इसके बाद हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप के होता है एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है बॉडी में ब्लड भरा होता है और वही वो सर्कुलेट कर रहा होता है और जबकि क्लोज में क्या होता है वेसल्स होती है मतलब पाइप्स होती है ब्लड को ले जाने के लिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं इन एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड इज नॉट इन द बॉडी ब्लड वेसल्स बट इज पम्प इन टू कैविटी कोल्ड ए हिमोसिल जिसमें कॉकरोचेस वगैरह आते हैं इनमें क्या होता है इसमें नशे नहीं होती है ब्लड को ले जाने के लिए इसमें डायरेक्ट ही ब्लड फ्लो होता है इसे बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है हमारी बॉडी में ब्लड ऐसे ही नहीं भरा होता उसमें कैपिलरीज विन्स इन सब में ब्लड जा रहा होता है तो ये क्लोज है इन ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कंटेन इन साइड ब्लड वेसल्स सर्कुलेटिंग यूनिडायरेक्शनल इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द हार्ट अराउंड द सिस्टमैटिक सर्कुलेटरी रूट देन रिटर्निंग इन टू द हार्ट अगेन एंड में फर्स्ट सर्कुलेट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को देखा गया था ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है एग्जाम में आ सकता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जब आपको बता दिया है कि जो ब्लड है वो वेसल्स में फ्लो होता है यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है कि ब्लड जो है वो बॉडी से फ्लो होकर आएगा वापस ही उसमें हार्ट में रिटर्न होगा ये है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसके बाद पढ़ते हम सिमेट्री सिमेट्री का मतलब होता है कि बॉडी को कैसे काटा जा सकता है इक्वल हाउस में तो असिमेट्री क्या होता है कान डिवाइड बॉडी इंटू इक्वल हाउस बाय एनी प्लेन जब किसी बॉडी को इक्वल हाफ्स में नहीं काटा जा सकता जैसे कि आप अदरक को ले लो क्या आप अदरक को दो बराबर हिस्सों में काट सकते हो कि दोनों की जो शेप है इदन, जो हमने दो हिस्से के दोनों हिस्सों की शेप सेम नजर आए ऐसा नहीं हो सकता इसी तरीके से पोरीफेरा जो होते हैं वो स्पॉन्जेस होते हैं तो स्पॉन्जेस को बराबर हाउस में नहीं काटा जा सकता क्योंकि उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बिगड़ी हुई होती है जैसे अमीबा की स्ट्रक्चर होती है अमीबा भी असिमेट्री होता है उसको भी बराबर हाउस में नहीं काटा जा सकता रेडियल रेडियल कैन डिवाइड बॉडी इंटू इक्वल हाउस बाय एनी प्लेन जो रेडियल सिमेट्री होती है उसमें बॉडी को किसी भी तरीके से काटा जा सकता है मतलब कुछ भी किसी की भी राउंड बॉडी होगी ना तो उसको आप कहीं से भी काटोगे तो दोनों ही से सेम नजर आएंगे जैसे कि आपने देखे होंगे केंचुए देखे होंगे अर्थ वोम्स देखे होंगे तो अर्थ वोम्स को किसी भी डायरेक्शन में आप कैसे भी काट लो दोनों बराबर ही हिस्से होंगे बाइलेट्रल बाट्रल कैन डिवाइड बॉडी इंटू टू हाउस बाय ओनली वन प्लेन बाइलेटरल में क्या होता है कि जो बॉडी है उसको सिर्फ दो हिस्सों में बांटा जा सकता है बराबर में जैसे ह्यूमन बींग्स को ले लीजिए ह्यूमन बींग्स में कौन सी सिमेट्री होती है बाइलेट्रल अगर आप बीच से काटोगे तो एक आंख इस साइड हो जाएगी और एक आंख इस साइड हो जाएगी तो मतलब बराबर हिस्से हो गए लेकिन उसमें अगर आप डोर सीमेंट्रल अगर आप उसको सर के मतलब एक पीछे का हिस्सा अलग और आगे का हिस्सा अलग करना चाहोगे तो आगे आंख वगैरह हो जाएगी पीछे सर वगैरह हो जाएगा तो बराबर हिस्सा हुआ नहीं तो बाइलेट्रल का मतलब ये होता है कि बॉडी को सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है एक बार काटकर जर्म लेयर जर्म लेयर होती है डिप्लोब्लास्टिक और और ट्रिप्लोब्लास्टिको डिप्लोब्लास्टिक वो होती है जिसमें सिर्फ दो जर्म लेयर होती है जैसे है कि सबसे ऊपर वाली जो होती है एक्टोडर्म और सबसे अंदर वाली होती है एंडोडर्म जो हम यहां बात करें स्किन की जैसे स्किन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी वो एक्टोडर्म होगी जो सबसे नीचे वाली लेयर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी एंडोडर्म हो जाएगी ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होती है तीन लेयर होती है एंडोडर्म सबसे अंदर वाली बीच वाली मिजोडर्म और सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म अब यहाँ पर हम उसके एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे डिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा टिनोफेरा और ट्रिप्लोब्लास्टिक के जो एग्जाम्पल है प्लेटी हेलमिंथस से कॉर्डेट्स जो है वो ट्रिप्लो में आते हैं बॉडी प्लेन बॉडी प्लेन जो है वो है सेल एग्रीग्रेट अब बॉडी प्लान वेअर इन द बॉडी कंटेन ए क्लस्टर और एग्रीगेशन ऑफ सेल्स दैट आर नॉट ऑर्गेनाइजड इन टू सेल और ऑर्गन जिस बॉडी में सेल भरी होती है ठूस ठूस के भरी होती है उसे बोलते हैं सेल एग्रीगेट जैसे कि स्पॉन्जेस होते हैं उसमें सेल ठूस ठूस के भरी होती है कोई भी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं होता ब्लाइंड सेक एन एनिमल हैज अ सिंगल पोर विच सर्व द डुअल फंक्शन ऑफ इंजेक्शन एज वेल एज इजेशन तो ब्लाइंड सेक है वो इनकम्प्लीट डाइजेशन की तरह है जैसे कि इसमें क्या बताया गया है कि उसमें सिर्फ सिंगल पोर होता है आप खाना खाते हो उसके लिए भी सिंगल पोर और जो वेस्ट रिमूव करते हो उसके लिए भी सिंगल पोर ट्यूब विद इन ट्यूब द एनिमल बॉडी कंसिस्ट ऑफ टू ट्यूब वन फॉर्म बाय द बॉडी वॉल एंड सेकंड विद इन इट बाय डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ट्यूब विद इन ट्यूब जैसे ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल ले सकते हो कि ह्यूमन बॉडी कम्पलीटली क्या है ट्यूब है लेकिन इसके अंदर भी एलिमेंट्री कैनाल क्या है एक ट्यूब है जो माउथ से लेकर हमारी पाइप स्टार्ट होती है और एन पे खत्म होती है वो भी क्या हुई एक ट्यूब हुई तो ये होता है ट्यूब विद इन ट्यूब सेल एग्रीगेट के एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था सेल ठूस ठूस के भरी होती है वो है पोरी ब्लाइंड सेक का एग्जाम्पल जो है वो बताया था कि जहां से फूड आ रहा है वहीं जा रहा है जैसे सिलेंट्रेटा पहली है, प्लेटी हेलमिंथिस में ट्यूब विद इन ट्यूब जो एसकी हेलमिथस से कॉर्डेट्स तक के फाइलम है वो उसमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाता है अब है सिलोम सिलोम का मतलब होता है कैविटी मतलब ब्लैंक स्पेस कि हमारी बॉडी में ब्लैंक स्पेस कितना है क्या हमारी बॉडी में खाली जगह है ऑवियसली हमारी बॉडी में खाली जगह है जहां पर फ्लूड भरा हुआ है इसकी बात हम आगे करते हैं पहले हम पढ़ते हैं असिलोमेट एंड इन्वर्टिब्रेड लैकिंग ए सिलोम ब्लैंक स्पेस इन्वर्टिब्रेड जिसमें बिल्कुल भी खाली स्पेस नहीं पाया जाता जैसे यहाँ पर हमने प्लेनेरिया का एग्जाम्पल दे रखा है इसमें क्या है बॉडी की बाहर एक्टोडर्म आउटर कवरिंग है सबसे अंदर क्या है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और बीच में क्या है टिश्यूज भरे हुए हैं मतलब बिल्कुल भी स्पेस है ही नहीं तो ये हो गए असिलोमेट श्यूडो सिलोमेट श्यूडो का मतलब होता है झूठा फेक एनिमल दैट हैव फॉल्स बॉडी कैविटी ऐसे एनिमल जिसमें फेक बॉडी कैविटी होती है फेक स्पेस होता है उसे बोलते हैं असिलोमेट मतलब ना के बराबर उसे स्पेस को मान सकते हैं जैसे कि आउटर बॉडी पिक्चर में दे रखी है आउटर बॉडी कवरिंग दे रखी है सबसे अंदर जो है डाइजेस्टिव ट्रैक दे रखा है और जो बीच में है, वो टिश्यूज भरे हुए भी है मसल्स के और वो हल्का फुल्का स्पेस भी है जैसे श्यूडो बोल रहे हैं यहाँ पे अब यू सिलोमेट

अब जो स्पेस है वहाँ पर क्या होंगे गैसेस होगी न्यूट्रिएंट्स होंगे जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है फ्लूड होता है हमारी बॉडी में टिश्यूज़ के बीच में स्पेसेस भी होते हैं तो ये हम क्या हो गए जो एक एनिमल बॉडी होगी वो क्या होगी ट्रू बॉडी कैविटी है वो उसमें हम जो ह्यूमन बींग्स आते हैं वो यू सिलोमीट होते हैं सेगमेंटेशन मतलब कि बॉडी में छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड होती है जैसे कि आप अगर उसको देखोगे अर्थ को देखोगे तो इसमें पिक्चर में भी दिखा रखा है कि छोटे 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 पार्ट्स में रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये डिवाइडेड है द डिवीजन ऑफ एनिमल्स बॉडी इंटू लीनियर सीरीज ऑफ सिमिलर सेगमेंट्स मेटामियर्स बाय द रिपीटेशन ऑफ ऑर्गेन टिश्यू एट इंटरवल अलोंग इट्स बॉडी कि जो बॉडी में छोटे छोटे ये सेगमेंट्स है इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन नोटोकोड नोटोकोड इज प्रिमिटिव बिगनिंग टू द बैक बोन जो बैक बोन होती है स्टार्टिंग जो उसकी है बैक बोन की उसे बोलते हैं नोटोकोड हमारे अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हैं इसीलिए हम हमें वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं तो जो नोटोकोर्ड्स हैं वो यहाँ पे इसमें इस स्ट्रक्चर में दिखा रखी है थैंक यू